मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश को किया गया है स्टार्ट। लेखपाल के जो 5200 पदाने हैं उनके लिए आपकी मैथ की क्लास पहले ही चल चुकी है और आज से चला दी है हमने ग्रामीण परिवेश की क्लास को। ग्रामीण परिवेश में पहले ये समझेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और फिर एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आज भी एक टॉपिक लेंगे जो होगा आपका सबसे पहला टॉपिक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा केंद्र सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं, फिर होगा कृषि का महत्व, फिर आपका भूधारण पद्धतियां होंगी, उसके बाद होगा पशुपालन, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि नीति एवं योजनाएं, फिर लेंगे हम भारतीय कृषि व्यवस्था को, फिर लेंगे भारत के संदर्भ में गांवों का विकास, फिर होगा आधारभूत संरचना तथा कृषि आगत, फिर होगा कृषि उत्तर प्रदेश में कृषि, और फिर होगा कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन, पंचायती राज, कृषि शब्दावली और उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी सभी आपको करा दिए जाएंगे। आप मेरे पर विश्वास रखेंगे और ग्रामीण परिवेश का यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पर गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कॉपी पेन साथ लेकर बैठना होगा। जो भी काम आपको कराया जाएगा वो आपको मन से करना होगा। उसे एक बार जब यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है तब नोट करें और उसके बाद याद करने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहला जो बात आती है वो आती है भाई खंड विकास अधिकारी, मतलब BDO की बात आती है। BDO होता कौन है? BDO होता है, यह जो है विकास खंड का मुख्य कार्य पालन अधिकारी होता है, मतलब विकास खंड। देखिए, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो तीन स्तर पर बटा है। पहला होता है जिला, फिर होता है ब्लॉक और मतलब ये कहलाता है खंड, और तीसरा होता है आपका ग्राम। तो इस तरह चलता है। तो जो खंड विकास अधिकारी होता है वो होता है आपके दूसरे नंबर वाला अधिकारी। इसका जो है किसका, BDO का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, मतलब UPSSSC के द्वारा ही यहाँ पर जो है इसका भी चयन किया जाता है। और इसका प्रशिक्षण कौन करता है, इसका प्रशिक्षण कराता है ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा इसका प्रशिक्षण होता है। अगर बात करी जाए यहाँ पर आगे तो बात आती है लेखपाल की। देखिए, लेखपाल की भर्ती है। लेखपाल के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर भर्ती होना भी बेकार है। उसके क्या कार्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो लेखपाल ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी है, ये बिल्कुल सभी को पता है। इसके अधिकार में एक या दो गाँव या ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि एक लेखपाल, एक पटवारी जो है वो एक गांव का भी हो सकता है और कई बार वो एक से ज़्यादा गांव का भी, मतलब दो गांव का भी वो हो सकता है। इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया है। किसका, लेखपाल का। और इसका ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, इसका ट्रांसफ़र कर सकता है भाई प्रगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा इसका ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर इसके कार्यों को, ये क्या क्या कार्य करेगा, क्या इसके कार्य होते हैं अगर उसकी बात करें तो ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में, वर्णित हैं, लिखी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश लेखा सेवा नियमावली 2006 में बनी थी और समूह कै का यह जो है अधिकारी होता है, समूह कै के अंतर्गत यह पद आता है। किसका, लेखपाल का। लेखपाल अपने हलके, मतलब गांव या गांव, भाई अगर गांव मतलब एक गांव का लेखपाल है तो उसे गांव कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा का है तो गांव का, प्रत्येक वर्ष खेत पर जाकर निरीक्षण करता है। मतलब हर साल वो खेत पर जाता है और कृषि संबंधी निरीक्षण करता है। लेकिन इस निरीक्षण को क्या कहा जाता है, इस निरीक्षण को कहा जाता है पड़ताल। अब ये जो पड़ताल है, ये जो पड़ताल है, तीन तरह की पड़ताल होती है। पहली पड़ताल कहलाती है खरीफ पड़ताल। खरीफ पड़ताल मतलब खरीफ की फसल की पड़ताल जो करेगा। अगर लेखपाल खरीफ की फसल की पड़ताल करने गया है तो उसे कहा जाता है खरीफ पड़ताल।
दूसरी पड़ताल होती है रबी पड़ताल, मतलब इसमें रबी की जितनी भी फसल है उन सब की वो पड़ताल करेगा, वहाँ पर खेत पर जाकर उन सब का निरीक्षण करेगा। और तीसरी पड़ताल होती है जायद पड़ताल, मतलब इसमें जायद से संबंधित जितनी भी फसल है उन सब की वो पड़ताल करेगा, कौन? लेखपाल। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए खसरा, खसरा एक शब्द आता है खसरा। खसरा क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है, मतलब यह एक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। और खसरे में क्या होता है? खसरे में कृषि आंकड़े होते हैं और खतौनी के लिए आवश्यक आंकड़ों का उल्लेख भी खसरे में ही होता है भैया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ खसरे में कुल खाने कितने होते हैं, अगर खसरे में कुल खानों की बात करें तो खसरे में कुल खाने 22 होते हैं और जबकि खतौनी में ये होते हैं भाई 13, मतलब खाने मतलब कोलम इस तरह से जो किसे होते हैं, तो खसरे में ये 22 होते हैं और खतौनी में ये होते हैं भाई 13। अगर बात करें पटवारी, देखिए लेखपाल को ही हम क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। तो अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी शब्द का प्रयोग कब से चला रहा है? पटवारी शब्द का प्रयोग जो चला आ रहा है भाई वो शेरशाह सूरी के समय से चला रहा है। शेरशाह सूरी के समय में पटवारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, लेकिन पटवारी को बदलकर क्या कर दिया गया? लेखपाल। कब? जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी तो उस समय इस शब्द को बदलकर क्या कर दिया गया? लेखपाल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर क्या कहलाता है? खतौनी कहलाता है। मतलब खतौनी के लिए किसका प्रयोग बताया था हमने? खसरे का। तो खसरे का प्रयोग करके खतौनी बनती है, और खतौनी में क्या होता है? खतौनी में हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को ही क्या कहते हैं हम? खतौनी कहते हैं। एक होता है दाखिल खारिज, आपने सुना होगा किसी की ज़मीन ली भाई गाँव में, ज़मीन लेने के बाद में दखल खारिज करा लो भैया, तो दखल खारिज नहीं होता, वो दाखिल खारिज होता है। दाखिल मतलब एक का नाम चढ़ाना है और दूसरे का काटना है भाई, जिसके नाम पहले वो ज़मीन थी वो तो वहाँ से कटेगा और दूसरा नाम जिसने वो ज़मीन खरीदी है उसका नाम चढ़ जाएगा। मतलब जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, कब्जे में परिवर्तन ही तो हो रहा है, जब एक आदमी ज़मीन बेच रहा है और दूसरा उसे खरीद रहा, इसका मतलब क्या है? ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब एक ने खरीदी है तो उसका नाम जोड़ा जाएगा और जिसने बेची है उसका नाम वहाँ से काट दिया जाएगा। बात आती है कृषि वर्ष, जैसे एक वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष चलता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो वैसे ही कृषि वर्ष या फसली वर्ष जो चलता है वो चलता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच। नेक्स्ट अगर बात करें तो खसरा, खसरा क्या है? खतौनी का संयुक्त रूप अधिकार अभिलेख क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। भूलेख निरीक्षक, भूलेख निरीक्षक कौन होता है भाई? कानून को या राजस्व निरीक्षक भी इसे कहा जाता है। और एक शब्द, एक आदमी आता है गांव में, अमीन, अमीन, अमीन कौन हो है भाई? भू राजस्व की वसूली करने वाला, मतलब जमीन का जो टैक्स लेने वाला होता है वो कहलाता है आपका अमीन। जो आपने देखा हो आपसी लेना जाता है वो क्या है? अमीन है भाई। तहसीलदार कौन होता है? अगर तहसील स्तर का राजस्व प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं तो वो ही क्या है यहाँ पर? तहसीलदार है। और तहसील दिवस मनाया जाता है आपको, तहसील दिवस 2 दिन दिए गए हैं महीने में, एक तो पहला और एक तीसरा मंगलवार। पहले और तीसरे मंगलवार को सुबह 10 बजे से सभी बड़े अधिकारी जमा हो जाते हैं एक निश्चित स्थान पर, या तो तहसील में या थाने में, तो वहाँ पर मनाया जाता है वो तहसील दिवस, और वहाँ पर जो भी आपसे की संबंधित समस्या है उनका किया जाता है भाई समाधान। अगर आगे बात करें तो चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ था भाई? 1954 में मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील से हुआ, और साथ साथ सुल्तानपुर जिले की, सुल्तानपुर जो जिला था उसकी मुसाफिर खाना तहसील से, इन दोनों जगह में सबसे स्टार्टिंग में चकबंदी की गई थी। लेकिन संपूर्ण प्रदेश में जो चकबंदी हुई थी वो हुई थी भाई 1958 में। चकबंदी विभाग की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कार्य है, इसका जो काम है, ये क्या काम करता है भाई? किसानों की बिक्री जो तो इकट्ठा करता है। इसका मतलब क्या है?
जैसे किसी आदमी ने ज़मीन खरीद ली भाई, अब उसने 1 बीघा ज़मीन तो एक जगह खरीद ली, फिर उसने 2-4-10 महीने या 1-2 साल बाद में 2 बीघा ज़मीन कहीं और खरीद ली, तो ऐसा तो नहीं कि वो दोनों खेत एक जगह होंगे, लेकिन जैसे ही चकबंदी होंगी तो ये सब उसकी जो बिखरी हुई ज़मीन है वो सब एक जगह हो जाएगी। इसका मतलब चकबंदी विभाग का काम क्या है, किसानों की बिखरी हुई जोत को इकट्ठा करना। इसका प्रमुख कौन होता है, इसका प्रमुख होता है चकबंदी आयुक्त, इसका प्रमुख होता है, और जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी जो है इसका जिला स्तर का अधिकारी होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्य करने वाला होता है वो होता है चकबंदी लेखपाल। आगे बात करें भाई राजस्व विभाग, क्योंकि राजस्व लेखपाल की ही भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। कौन कौन से, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। अब यहाँ पर सबसे जो मेन है आपका वो है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद में 1831 में हो चुकी थी। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसके अंतर्गत 2 जो हैं प्रशासनिक सदस्य होते हैं और इनका मुख्यालय इलाहाबाद में, जबकि 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, इनका मुख्यालय लखनऊ में है। अब इन 7 के नीचे जो काम करते हैं वो मंडल आयुक्त काम करते हैं, जितने भी मंडल के आयुक्त हैं वो सभी काम करते हैं। इन जो है मंडल आयुक्त के नीचे इनकी सहायता के लिए होते हैं अपर मंडल आयुक्त, अपर मंडल आयुक्त के नीचे काम करते हैं जिलाधिकारी, जिलाधिकारी की सहायता के लिए होते हैं अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, और उप जिलाधिकारी की सहायता के लिए तहसीलदार, तहसीलदार की सहायता के लिए नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार की सहायता के लिए राजस्व निरीक्षक, और जो बिल्कुल ज़मीनी यहाँ पर अधिकारी होता है वो होता है लेखपाल, मतलब राजस्व लेखपाल। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर रहा है। आज हमने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।